hello friends i am parul and today we are going to learn chapter 1st from flamingo and its name is the last lesson last lesson this is the story is narrated by french boy friends okay here are two characters one is france and second one is m hamel france is very lazy But very sensitive and likes to play and he dislikes studying French and hates his teachers M हैम कहने का मतलब क्या है कि वो अपने टीचर को पसंद नहीं करता था उसको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई करनी उसको पसंद नहीं थी बहुत ही लेजी था लेकिन सेंसिटिव था और उसको स्टडी करना पसंद नहीं था जस्ट प्लेइंग करना पसंद था एंड After overpowering their district of uh, Alsace and Lorraine in France, uh, Berlin has ordered that German language instead of uh, French by taught in the school there. Okay, uh, first we will discuss about uh, some keywords here in uh, front of you. Uh, blacksmith means person who make iron tools, blush means become pink. कोई ऐसी हैप्पी थिंग्स आ जाती है हमारे चेहरे एक शर्म जैसा तो पिंक चेहरा हो जाता है बिल्कुल वैसा देन सोलम इट मीन्स सीरियस दैन रेचिस रेचिस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट एंड इन स्लेवड मीन्स मेड स्लेव दिस इज द चैप्टर फर्स्ट एंड इट ऑथर नेम इज अल्फन Dead Dead Judith, sorry, Alphonse Dudert. First, uh, we, we will discuss about a uh, uh, writer. He was a French novelist and a short story writer. The last lesson is set in the day of the French uh, France Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by uh, Bismarck. कहने का मतलब वो बहुत मतलब नावलिस्ट थे शॉर्ट स्टोरी भी राइट करते थे और लास्ट लेसन उन्होंने राइट किया है और कब का टाइम है तो ये जब लिखा था तब तो और पुरुष का वॉर हुआ था मतलब कि एटीन सेवेंटीन और एटीन सेवेंटी वन के बीच में हुआ था और उस टाइम जो फ्रांस था वो डिफिटेड हो चुका था पुरूष के सामने और लीड कौन कर रहा था तो बिस्मार्क पुरुष दैन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया मतलब कि जो पुरुषिया किसको बोलते हैं पुरुषिया किससे बना uh, तो एक्चुअल uh, में वो जर्मन uh, के लोगों को बोला जाता है पुरुषन और यहाँ पे दो जो पोलैंड uh, एंड जो पार्ट पोलैंड uh, जिसे बोलेंगे पॉलैंड है और एक पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया है उन दोनों की बात कर रहे हैं कि आ, वो जो कंट्री मतलब वो जो जगह थी उन जगहों को जो फ्रेंस है फ्रांस वो हार चुका था इन दिस स्टोरी द फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट द एल्सेस एंड लोर हैव पासड इन टू द प्रूशियन हैंड और उस दौरान क्या था कि जो प्रुशियन हैंड में आ चुका था एल्सेस और लोर और उस दौरान ये डिसाइड किया गया था कि अब तो जो पढ़ाई बच्चों के स्कूल के अंदर जो पढ़ाई की बात करते हैं तो कौन सी होगी लैंग्वेज तो जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ना था तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट वॉट अफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया था कि आफ्टर जो ओवर पावरिंग द डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लोरन इन फ्रांस बर्लिन है बर्लिन हैज़ ऑर्डर दैट जर्मन लैंग्वेज एंड इंस्टेड ऑफ फ्रांस बी टॉट इन द स्कूल देर आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टर uh, है वो फ्रेंस नाम का लड़का है और मैंने आपको पहले भी बताया बहुत लेजी है uh, वैसे भी उसका स्कूल जाना बहुत ही लेट हो चुका था मॉर्निंग का टाइम था एंड वॉज इन ग्रेट ड्रिड ऑफ स्कोल्डिंग और उसके अंदर एक डर एक खौफ था एस्पेशियली बिकॉज एम हैल हैड सेट देट ही वुड क्वेश्चन ऑन द पार्टिसिप और ख़ास तौर पे उसको किस बात का डर था तो एम हैवल जो थे वो उसको क्वेश्चन पूछने वाले थे मेरे मतलब पूरी क्लास को पूछने वाले थे पास पार्टिसिपल के बारे में एटलीस्ट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं तो आ, ग्रामर का टॉपिक है और ये इस वैसे भी जो फ्रांस है उसको ये आ, फ्रांस लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज पसंद नहीं है और उसमें ये ग्रामर का टॉपिक पूछने वाले हैं तो बिल्कुल वो नर्वस है एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम मैं तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो भी नहीं जानता तो पास पार्टिसिपल के बारे में आंसर क्या बताऊंगा फॉर द मोमेंट आई थाट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर तो उस दौरान मैंने सोचा मतलब जो फ्रेंड्स थे वो सोच रहा था चलते चलते कि क्यों ना कुछ टाइम में बाहर ही दरवाजे के बाहर ही निकाल दूँ स्पेंड कर दूँ इट वॉज सो वार्म वैसे उसे बहुत ही अच्छा लगता है बाहर बहुत वार्म था गर्मी तो थी ही लेकिन ब्राइट भी था सो ब्राइट द बर्ड वॉर सॉरी द बर्ड्स व चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स और जो बर्ड्स थे वो बाहर चिपिंग कर रहे थे वुड्स में and एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ so सो मिल प्रशियन soldiers were drilling. और जैसे वो बाहर निकलता है तो क्या देखता है तो बर्ड्स जो होते हैं वो चिपिंग करते हैं और कहाँ पे बैठे थे एज ऑफ वुड वुड की जो बॉर्डर होती है वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे ओपन फील्ड जो है पी आ, सो मिल के पीछे मतलब वो चिरघर जो होता है वहाँ पे तो उसके पीछे एक प्रुशियन जो सोल्जर्स थे वो वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं ड्रिलिंग कर रहे हैं इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग जैसे टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव मतलब कि वहाँ पे वैसे उसको बहुत अट्रैक्टिव सब लग रहा है देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल किसके अगेंस्ट uh, तो जो पास पार्टिसिपल के जो रूल्स होते हैं उसके जो क्वेश्चन होते हैं uh, उससे उसको बेटर कौन लग रहा है दी वाम होते हुए भी उसको बाहर का एटमोसफेयर ज़्यादा अच्छा लगता है बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल फिर भी उसने अपने जो एक जोश था जो डिसाइड किया था उसको कंट्रोल करते हुए वो स्कूल को uh, जाने के लिए तैयार हो जाता है उसने रास्ता बदल दिया वैन आई पास द टाउन हॉल देर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बॉल जब वो मैं जा रहा था तो वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड लगाया हुआ था और वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था फॉर द लास्ट टू इयर्स ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दैट लास्ट टू इयर्स से देखने जाए तो बहुत सारे बैड न्यूज़ देखने को मिलते इस बुलेटिन बोर्ड पर ही होते हैं किस तरह के होते हैं बैड न्यूज़ जैसे कि द लॉस बैटल कोई मतलब युद्ध हार चुके हो उसका या फिर ड्राफ्ट का द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स जो कोई कमांड देने वाले हो या कुछ ऑर्डर देने वाले हो तो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड में लगा होता है लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं कि कभी इस बुलेटिन बोर्ड पे कुछ अच्छा लिखा हो मतलब कोई हैप्पी न्यूज़ लिखे हो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ और तब मुझे अपने आप से ही एक सोच आती है विदाउट स्टॉपिंग मैं चलता ही गया मैं रुका नहीं और उस दौरान तो उसको ये सोच आती है वॉट कैन बी द मैटर नाउ क्या बात हो सकती है uh, जो बुलेटिन बोर्ड पे इतना सारा क्राउड था देन एज आई हरीड बाई एज़ फास्ट एज आई गुड गो उसके बाद आई हरीड बाय फास्ट एज़ फास्ट गुड गो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्कूल जाना था क्योंकि अगर वो जल्दी नहीं जाता तो वहाँ पे जो टीच आ, मतलब टीचर्स गुस्सा करेंगे या फिर कोई ना कोई डांटेगा तो उस बात को याद करते हुए वो जल्दी जाने की कोशिश करता है द ब्लैक स्मिथ वॉच हु वॉज दैर और वहाँ पे ब्लैक स्मिथ था विथ हिज़ जो मैंने आपको अभी ही मीनिंग उसका बताया एंड हीज़ अपरेंटिक अप्रेंटिक का मतलब क्या होता है जो लर्नर होता है वो तो उस वो एक लर्नर भी उसके साथ था रीडिंग द बुलेटिन और वो भी बुलेटिन रीड करने के लिए आया था और उसने मुझे बताया कॉल्ड आफ्टर मी मेरे पीछे आया और बोला कि डोंट गो सो फास्ट बब इतना जल्दी मत जाओ यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम स्कूल जाने में बहुत टाइम है ऐसा उसने बताया तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी मुझे लगा मैं सोच रहा था कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है कर रहा था एंड रिच ऐसा उसको क्यों लगा उसका रीज़न था क्योंकि वो वैसे भी जो स्कूल से निकला तो बहुत ही लेट निकला था तो ऑब्वियस है कि uh, ये मेरे साथ मजाक कर रहा है तो रिच एम हैबल लिटल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रिथ और उसने इतना जल्दी चला कि स्कूल जो होती है एम हैबल का जो गार्डन है जो उनका फेवरेट है वहाँ तक तो वो पहुँच ही चुका था यूजअली वैन स्कूल बिगेन जनरली जब देखने जाएं तो जो स्कूल होती है वो चालू होती है तब उसका आसपास का जो एटमोसफियर होता है वो कैसा होता है तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इस पैराग्राफ में प्लीज़ लाइन हेयर तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन जब स्कूल, स्कूल स्टार्ट होती थी तो देर वाज अ ग्रेट बस्ट बहुत ही आवाज़ आती थी शोर शराबे थे विच कोड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट जैसे कि बाहर के लोग जो स्ट्रीट पे चलने वाले होते हैं उनको भी समझ में आता है कि यहाँ पे स्कूल चालू है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क किस तरह की आवाज़ें आ रही थी वो भी यहाँ पे आप लाइन करना तो दर जो डेस्क होता है उसको खोलने का बंद करने की आवाज़ें लेसन रिपीटेड इन यूनिसन तो जो लेसन रिपीटेड इन यूनिशन का मतलब क्या होता है एक साथ है आ, मतलब एक साथ सभी का आवाज़ करना मतलब एक साथ बच्चे बोलते हैं ना स्कूल में तो बिल्कुल वैसी आवाज़ आनी होती है तो उस दौरान जो लेसन जब रिपीट होता है रिपीटेड इन यूनिसन तो लेसन चलाते टाइम बहुत सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं वैसी आवाज़ें आती हैं वेरी लाउड बहुत ही ज़ोर से विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बैटर और जो कान में मतलब अंडरस्टैंड आप समझ सकते हैं कि किस तरह की आवाज़ें आती होगी जैसे सहन न कर सके ऐसी देन टीचर ग्रेट रूलर रेपिंग ऑन द टेबल और उस दौरान जो टीचर होते हैं वो उनके हाथ में रूलर होता है उसको रैपिंग करते हैं टेबल पे ऐसे बजाते हैं कि भाई साइलेंट हो जाओ बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टील लेकिन आज का जो एटमोस्फियर था बिल्कुल साइलेंट था एकदम अलग था ऐसी कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी आई हैड काउंटेड ऑन द कमोजिन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन मतलब मैं ऐसे uh, सोच रहा था काउंट कर रहा था कमोजिन का मतलब क्या होता है नॉइसी वैसे मैं सोच रहा था कि वैसे बहुत नॉइसी होता है दैट्स विदाउट बींग सीन यहाँ पे तो ऐसी कोई आवाजें नहीं आ रही बट ऑफकोर्स दैट द डे एवरी थिंग हैड टू बी अ क्वाइट एज संडे मॉर्निंग उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल इतना सा, इतना क्वाइट था जैसे संडे मॉर्निंग होता है थ्रू द विंडो थ्रू द विंडो है आई सो माई क्लास में मतलब विंडो से उसने जाका कि क्लास में कौन कौन है तो उसे देखा उसके क्लासमेट्स हैं ऑलरेडी इन देअर प्लेसेस और जहाँ पे वो एज यूजल होते हैं उसकी जगह पे या फिर कोई और जगह पे एंड एम हैबल वॉकिंग अप एंड टाउन विथ हिज़ टेरेबल आयन रूलर अंडर हिज आम और एम हैबल जो थे वो वहाँ पर चल रहे हैं इधर उधर यानी पीछे आते हैं चलते जैसे एज यूजल टीचर जैसे चलते चलते पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे एंड विथ हिज टेरेबल आयन टेरेबल क्यों बोला है क्योंकि उससे जो स्टूडेंट जैसे कि ये फ्रेंड्स है वो मार खाता है बहुत तो बिल्कुल वैसे ये वर्ड उसके साथ जुड़ा गया है टैरेबल आयन रूलर तो ऐसे रूलर को उसके उसके हाथ में उसने देखे। आई हैड टू ओपन द डोर और मैंने दरवाजा खोला एंड इन बिफोर एवरीबडी सबके सामने वो जब आया तो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे कितनी शर्म आ रही थी हाउ आई फ्राइटन आई वॉज मैं कितना डरा हुआ था मैं कैसे जाऊँ और मेरे साथ क्या होगा ये सब इमेज इमेजिन कर रहा था वो बट नथिंग हैपन पर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं एम हैबल मी एंड सेड वेरी काइंडली उन्होंने एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली बात की गो टू योर प्लेस क्विक आ, क्वाइट क्विकली जल्दी से अपनी जगह ले लो लिटल फ्रेंड्स वे वर आर विदाउट यू आ, वैसे तो हम क्लास स्टार्ट करने वाले थे आपके बिना लेकिन अब आप आ ही चुके हो तो बहुत ही अच्छा है तो इतने प्यार से कभी एम हेमल ने फ्रेंड्स के साथ बात नहीं की इवन एम हेमल ने फ्रेंड्स के साथ नहीं किसी के भी साथ इस तरह से बात नहीं की क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट uh, टीचर थे देन फ्रेंड्स uh, तो अपने ओरिजिनल मोड में आ जाता है आई जम्पड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क वो तो अपनी बेंच पर बैठ जाता है नॉट टिल देन वेन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फाइट मतलब आपको पता चल रहा है कि अब तक उसका जो डर था वो थोड़ा कम हो रहा है डेड आई सी दैट ओवर आवर टीचर had ऑन हिज beautiful ग्रीन कोट फिर उसने देखा कि उसके जो टीचर है एम ने एक बहुत मतलब बढ़िया सा ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है एंड uh, शर्ट uh, पहना हुआ है एंड लिटिल ब्लैक सिल्क है ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी हुई है ऑल एम्ब्रॉयडरी मतलब सारे इस तरह की कोई ओकेजन होता है बिल्कुल वैसे यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं वो एम हेबल की है बिल्कुल ऐसे ही लग रहे होंगे ओरिजिनल देखने जाएं तो तो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी कपड़े पहने हुए थे ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइस डे वो कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहनते थे जैसे रेगुलर डेज होते हैं वैसे लेकिन हाँ वो जब इंस्पेक्शन होता या फिर प्राइज रेज होता तो उस दौरान तो इस तरह के कपड़े पहना करते थे बिसाइड्स द होल स्कूल सेम सो स्ट्रेंज एंड solemn। मतलब पूरी जो स्कूल थी एकदम स्ट्रेंज लग रही थी उसको अजीब सी लग रही थी कुछ अजीब सा था बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज सूसी और सरप्राइज था मेरे लिए कि मैं जो देख रहा था जो पहले से बहुत ही अलग था और द बैक बेंचेस और उसे देखा कि पीछे की जो बेंचेस होती हैं देट वर ऑलवेज एम टी ऑलवेज़ खाली रहती है लेकिन आज तो वहाँ पे कौन बैठा हुआ है यहाँ पे लाइन करना क्योंकि क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आता है कि क्लास में जो विजुअली क्लास में क्या होता है और क्लास के पीछे या क्लास का माहौल कैसा होता है और आज जो स्पेशली आज के दिन किस तरह का क्लास में दिख रहा है सबकी जो बैठने की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी अलग है तो क्या थी तो प्लीज़ यहाँ पे लाइन करना ध्यान में रखना कि वहाँ पे कौन बैठा हुआ है द विलेजर्स द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक और सर बिल्कुल स्टूडेंट की तरह वो भी बैठे हुए हैं विलेजर्स है कुछ और ख़ास तौर पे उनमें कौन कौन है तो ओल्ड हॉसर है विथ हिज थ्री कॉर्नर हेड और सर वैसे तो कास्ट इजम कास्ट है वैसे लेकिन वहाँ बहुत ही पुराने जो थे वो आए हैं और उन्होंने एक थ्री कॉर्नर हैड पहनी हुई है द फॉर्मर मेयर आए हैं रिटायर्ड मेयर जिसे बोलेंगे फॉर्मर पोस्ट मास्टर है वहाँ पे एंड सेवर अदर बेस साइड्स और मतलब आसपास ये सारे लोग बैठे हुए हैं एवरीबडी लुकड सैड लेकिन वो लोग बैठे ज़रूर हैं वो क्यों बैठे हैं वो फ्रेंड्स के दिमाग में तो चल ही रहा लेकिन सब सैड थे हौसल है ब्रॉड एंड ओल्ड प्राइमर और आपको भी पता है कि जो ओल्ड प्राइमर जो है प्राइमर का मतलब क्या होता है जैसे छोटे बच्चों की किताब होती है बिल्कुल पुरानी जैसी वैसी बुक होसल ले आए थे और थम डेट एजिस आप थम डे एजिस का मतलब होता है जो कॉर्नर होती है उसकी जो एज होती है बुक की तो वो जो बुक थी उसकी जो एजिस थे वो मुड़ी हुई थी टर्न थी मतलब आपको भी बताए छोटे बच्चों की पेजेस कैसे होते हैं उसकी जो बॉर्डर होती है वो मुड़ गई होती है है ना बिल्कुल वैसे यहाँ पे ऐसी बुक लेके आए थे हॉसर और ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट प्रैक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस और वो उन्होंने कहाँ पे रखी थी तो उनकी जो नी है वहाँ पे रखी हुई थी खुली हुई और साथ में स्पैक भी थे उनके लिंग अक्रॉस द पेजेस पे वेल आई वाज वंडरिंग अबाउट इन ऑल ये जो सारी चीज़ें थी वो बहुत ही वंडरिंग थी बहुत ही सोचने वाली बातें थी वो सोच में पड़ गए थे कि ऐसा क्यों है एम हैबल माउंटेड हिज चेयर एम हैमल अपनी चेयर पे गए एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन बिल्कुल बिल्कुल वही टोन था उनका विच ही हैड यूज टू मी जैसे ओ, मैंने देखा या फिर यू जनरली वो करते हैबिट्यूड जैसे बोलेंगे बिल्कुल वैसा उनका बिहेवियर था और बोले माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आज ये आपका लास्ट लेसन है आई शैल गिव यू जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ the order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine मतलब जो order दिया गया बर्लिन से कि हमें अब आप, मतलब आपको जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ानी है कहाँ कौन सी स्कूल में तो एल्स एस और लोरियन जो वहाँ की जितने स्कूल्स है वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ानी है क्योंकि जर्मन ने इसको वर्न कर दिया है ठीक है द न्यू मास्टर कम टूमो न आपके जो जर्मन लैंग्वेज के जो टीचर है वो कल से आएंगे दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन और ये आपका लास्ट लेसन रहेगा आई वॉन्ट वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव तो मैं चाहता हूँ कि आज लास्ट लेसन है तो ऑब्वियस आप अटेंटिव uh, रहो ध्यान से सुनना कि uh, क्या है आज के चैप्टर में ठीक है तो जस्ट मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि आज जो एम हेमल पढ़ाने वाले थे उनके बारे में थोड़ा जस्ट एक्सप्लेन करूं क्योंकि कैरेक्टर भी आ सकता है एम हेमल के बारे में तो इट इज़ द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर एम हेमल एंड हु हैज बिन देर फोर्टी ईयर्स आपको भी बता पीछे आएगा कि वो फोर्टी ईयर्स ओल्ड थे ही इज़ फुल ऑफ ग्रीफ एंड पेट्रोटिज्म मतलब बहुत ही देश के प्रति बहुत ही लगाव था उनका एंड एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ इज एंड हाव द विलेज मैन ऑल्सो टेंथ इज लास्ट लेसन एंड दे आर ऑल सैड एज दे डी नॉट लर्न देअर मदर टंग्रेंच इन देअर फ्रेंच इन देअर चाइल्ड हुड मतलब कि जो उनके टाइम में उनको जो सीखना था पढ़ना था उस टाइम तो उनको नहीं मिला लेकिन ये जो टीचर एम हेमल जो फोर्टी से यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो जाने वाले हैं तो ऑबियस थोड़ा सा थोड़ी तकलीफ तो थो होती ही है तो उनको मिलने के लिए आए हैं उनको सी ऑफ करने के लिए आए हैं उनको ऑनर देने के लिए आए हैं और अभी फ्रेंड्स जो है वो उनके बारे में देखने जाएं तो फ्रेंड्स अब क्या फील करता है अब तक तो उसने ये फ्रेंड लैंग्वेज को ध्यान से नहीं है अब देखते हैं उसको कैसा लगता है वाइन आई वॉज वंडरिंग अबाउट इन ऑल वंडरिंग टू था सॉरी वॉट थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेर टू मी ओ द रिचिस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल अब पता चल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा लेकिन इतना भी नहीं पता चल रहा है मै लास्ट फ्रेंड लेसन वाई uh, आज मेरा फा लास्ट लेसन फ्रेंच का लास्ट लेसन कैसे हो सकता है अभी तो उसने शुरुआत भी नहीं की थी अपने आप से वो क्वेश्चनिंग कर रहा है आई हार्डली न्यूज़ हाउ टू राइट अभी तो मैं जान ही रहा था कैसे लिखना है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर मुझे uh, ऐसा फील हो रहा है लर्न करना था उसको और भी पढ़ना था मुझे और पढ़ना चाहिए ऐसा वो सोच रहा था लेकिन आज तो उसका लास्ट डे हो चुका था द मस्ट स्टॉप दैर नहीं ऐसे नहीं हो सकता इतनी जल्दी बंद नहीं हो सकता हाउ सॉरी आई वॉज़ फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन अब तक उसको एम हेमल से नफरत थी फ्रेंच लैंग्वेज से यानी उससे भी नफरत थी उसको वो ऑनर नहीं दे रहा था और पसंद नहीं करता था लेकिन आज उसको वो फीलिंग हो रही है कि यार आ, कैसे मतलब हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन क्यों नहीं पढ़ा अब तक ध्यान से फॉर सीकिंग बर्ड्स एज अब तक तो मैं बस वही सीकिंग बर्ड के अंडों को खोजता रहता था और वह ये सब बाहर की दुनिया में रहा करता था और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार मतलब वो जो रीवर uh, या फिर वहीं पे टहलता रहता था इतना ध्यान दिया ही नहीं माई बुक्स दैट हैड सेम डिस न्यू सन्स एट वाइल अगो इतना uh, मेरी जो बुक के बारे में बोलू या फिर इतना ध्यान ही नहीं दिया इन शॉर्ट माय बुक्स दैट हैड सेम डिस न्यू न्यूसेंस बाई अगो सो हैवी टू कैरी बुक्स को भी वो सोचता तो बहुत ही हैवी उसको लगती थी उस टाइम माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द देंट्स एयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ अभी अभी तो थोड़े ही टाइम पहले तो मेरा ये सारे फ्रेंड हुए ग्रामर है फिर जो हिस्ट्री बुक है यानी ये बुक भी धीरे धीरे मेरी क्या हो रही थी मेरी फ्रेंड बनी थी दैट आई कूडेंट गिव अप और इतनी जल्दी ये सब स्टॉप हो जाएगा आई एम हैबल टू द आइडियाज़ दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी अ फर्गेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज मतलब वो सारी चीज़ों को मिस कर रहा है कि अब क्या करेंगे जो है हैमल का जो बिहेवियर था या फिर उनका जो उनके जो रूलर जो भी चीज़ें पहले उन्होंने उसने फेस किए वो सारी चीज़ें वो भूलना नहीं चाहता था तो उसको वो सारी बातें उसको याद आ रही थी पुअर मैन इट वॉज़ इन ऑनर फॉर हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ अब उसको समझ में आ रहा था कि ये सब लोग जो कपड़े उन्होंने पहने हैं किस के रिगार्डिंग पहने हैं तो जो फाइन संडे क्लोथ पहने हैं सब ने तो ये सब लास्ट लेसन जो ऑनर दी जा रही है फिर एम एम ने इस तरह से कपड़े पहने हुए हैं तो वह सारी चीज़ों को समझ रहे हैं एंड नाउ आई अंडरस्टूड मतलब मेरे ही समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाई आर सिटिंग दर इन बैक ऑफ द रूम अब उसको समझ में भी, भी आ रहा था कि क्यों ये जो विलेजर्स है वो पीछे बैठे क्यों है इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी टू देट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर वो उनको भी लग रहा है कि नहीं इनको मतलब स्कूल से नहीं जाना चाहिए इट वॉज़ देर वेर देअर वे ऑफ थिंकिंग और मास्टर फॉर हिज फोर्टी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस इन्होंने चालीस साल से इतनी ऑनेस्ट uh, से काम किया है एंड और शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वॉज देअर नो मोर तो ये लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि ऑनर uh, देने के लिए इतने बढ़िया सा इतने सालों से उन्होंने काम दिया अपनी सेवा दी है तो वो उनको ऑनर देना चाहते थे तो ये यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई है uh, जो फ्रेंड्स था वो क्या हो जाता है शॉक्ड हो जाता है फ्रेंच इज़ शॉकड टू नो दैट इजेंट इज इज़ लास्ट लेसन एज ही डजेंट नो फ्रेंच अभी तो उसने ठीक से वो फ्रेंच लैंग्वेज को जाना भी नहीं था नाउ सडनली ही गेट्स इंटरेस्टेड इन लर्निंग इट एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग थॉट ऑन डैट डे मतलब अचानक से ऐसे सडनली ही उसमें इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि वो चाहता था अब ऐसा चाहता है कि एम हैबल न जाए लैंग्वेज हमारी जो है वो रहे हमें जर्मन नहीं सीखनी है ये सारी बातें उसको लग रहा है ऐसे फील हो रहा है तभी मैंने बोला ना कि थोड़ा आ, लेजी ज़रूर था लेकिन बुरा नहीं था राइट right? तो गेट इंटरेस्ट इन लर्निंग इट एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग थॉट ऑन दैट डे एंड he ही डेवलप्स एंड इंस्टेंट लाइकिंग फॉर द टीचर एम हैबल एंड रिस्पेक्ट सेम uh sincerely and hard work वो बहुत ही uh, यही सोच रहा था, था कि नहीं एम हैबल रहने चाहिए वो रिस्पेक्ट देने लगा अचानक से ये सारी चीज़ें उसके अंदर आने लगे